आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अमित भाई चावड़ा, उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया और उसके अंदर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था। उस वीडियो के अंदर उनके कहने के मुताबिक उनके जो एमएलए थे समा भाई पटेल, उनकी किसी के साथ जो बात हो रही थी उसको स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया है, ऐसा बताया। उस वीडियो में वो बोल रहा है, वो आदमी कौन है उसका चेहरा उस पर दिखता नहीं है, न उस आदमी ने अपना नाम कहा है। उस जो सोमा भाई पटेल के नाम से जो वीडियो उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने उनको मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है, मगर उनके साथ कोई डील किया है ऐसा नहीं कहा। दूसरी जो बात है कि जब उन्होंने रिजाइन किया था एमएलए के पद से, वो 15 मार्च को उन्होंने रिजाइन किया था और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी 20 जुलाई को मेरी नियुक्ति हुई थी, तो मेरे आने के पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। मैं कभी उसके पहले उनको मिला नहीं, उनसे कोई बात हुई नहीं, ना उन्होंने ऐसा कहा है। फिर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित भाई चावड़ा ने अपने मन से मेरा नाम डालकर गुजरात के लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा की है। मुझे लगता है गंभीर प्रकार का अपराध है। पॉलिटिकल जो आगे वाले हैं उन्हें अपनी विश्वसनीयता रखनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला होता सोमा भाई पटेल ने और फिर उन्होंने मेरा नाम दोहराया होता तो कोई बात नहीं, और सोमा भाई पटेल का वीडियो जब वो बहुत गड़बड़ी से लेके आए और जो एक्सेप्ट किया है उसके अंदर कहीं भी मेरा नाम नहीं है। मेरे आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मेरी एक सलाह भी है और विनती भी है, ऐसी गलत बातें ना करें, उसमें उनकी और उनके पार्टी की छवि वैसे भी खराब है और ज़्यादा खराब हो रही है। और मेरी कांग्रेस के अध्यक्ष से ये भी बात कहनी है कि उन्होंने जो वीडियो कहा है तो उसमें जो बोलने वाला व्यक्ति है वो सोमा भाई पटेल ही है, उसका चेहरा भी दिखाने की थोड़ी हिम्मत कर। मुझे लगता है कि कोड़ी समाज जो गुजरात में होने वाले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा उनके वोटर्स भी है, उनको बदनाम करने की चेष्टा की है। मुझे बहुत से कोड़ी समाज के आगे वालों का फोन भी आया है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे पूरे समाज को इस तरह से बदनाम करने की चेष्टा की है, बहुत गलत उन्होंने किया है। मुझे तो आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि कांग्रेस ऐसे कथित वीडियो के जरिए पॉलिटिकल फील्ड में इलेक्शन जीतना संभव नहीं होता, ये बात समझ ले। उनको लगता है, मैं तो मानता ही हूँ कि हम 8 के 8 सीट जीत रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, और कांग्रेस भी मानती है विश्वास के साथ कि 8 इलेक्शन जो अभी है वो 8 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और उसी वजह से डर के वो पब्लिक में जाने के बजाय ऐसे वीडियो बनाकर लोगों के सामने रख रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुजरात के मतदाताओं ने जहाँ भी इलेक्शन है अपना मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट उसमें जीतने वाले हैं। धन्यवाद। सर, इस मामले में जो वीडियो में दिख रहा है उसमें अमित शाह का नाम है, सीएम का नाम है और नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम है, तो इस वीडियो में सच्चाई क्या नजर आ रही है आपको? इस वीडियो के साथ आप तारीख को भी देख लीजिए ना, 15 मार्च को सोमा भाई पटेल ने एमएलए के पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया 20 जुलाई को, जो तारीख आपके पास भी है, उस दिन मुझे इसे भी कहा था अभिनंदन का। तो तारीख जब मैं अध्यक्ष नहीं था, मैं जब उनको कभी मिला भी नहीं था, उसका मतलब ही है कि पूरी सीडी एक गलत है, गलत तरीके से बदनाम करने की, मुझे बदनाम करने की भी चेष्टा की है, भारतीय जनता पार्टी को भी बदनाम करने की चेष्टा है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष का जब नाम आ रहा है तो क्या इससे आपसे पहले के प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या उनकी तरफ इशारा है?
नए प्रदेश अध्यक्ष की बात की, उन्होंने पुराने के साथ कोई डील ऐसा कहा है नहीं। नए अध्यक्ष को मैं सिर्फ जानता हूँ ऐसा ही कहा है, तो जानते हैं, दोस्त है तो हमारे साथ वो सांसद थे तो जानते हैं, सही बात है। जो वीडियो आपके पास आया उसके पहले सोशल मीडिया में लोगों को उन्होंने दे दिया और उसके बाद मीडिया को दिया, तो एक सोची समझी एक चाल है और मुझे लगता है कि ये पुरानी कांग्रेस की आदत है। पहले भी उन्होंने ऐसी चेष्टा पर की थी और वहाँ भी गलत साबित हुए थे। ऐसा करने से इलेक्शन नहीं जीता जाता, इतनी अगर ये बात समझ ले। और 25 साल से वो सत्ता से बाहर क्यों है उसका आत्ममंथन करें, तो उसको लगेगा उनको कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही है। इस तरह से जो वो कर रहे हैं उनकी एक और गलती है। लास्ट 25 साल से तो सत्ता में नहीं, आने वाले 25 साल भी वो सत्ता में आने की कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि वो नेतागिरी बस यही काम में लगी हुई है। सर, वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि 10-10 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त हुई, तो आपकी तरफ से क्या कहना है? वो जो कोई कह रहा है वो कह रहा है कि कैसा हुआ होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को खरीदा नहीं है। खरीदना बेचना एक कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कई सरकार इस तरह से गिराई है, कई सरकार भाई जसूभाई पटेल की सरकार भी यहाँ गिराई थी, किशोर भाई की सरकार गिराकर शंकर सिंह के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को लेकर वो खजुराहो चले गए थे, पूरा गुजरात जानता है। फिर भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट था महाराष्ट्र में, फिर भी वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस ने उनको बिना रिजाइन किए उनके साथ बैठकर अनैतिकता के साथ सरकार बना ली। अगर उनमें हिम्मत है तो जाते इलेक्शन में फ्रेश मैंडेट लेते। जो आज यहाँ पर जो आए हैं तो सब फ्रेश मैंडेट के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये ताकत की बात है, नैतिकता की बात है, जो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती, उसके पास हम अपेक्षा नहीं करते। सर, इस वीडियो को लेकर क्या आपकी तरफ से कोई जांच की मांग या कार्रवाई करने की प्रयास किए जाएंगे? मेरी तो दरखास्त है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से ये वीडियो बनाया गया है उसको जांच में साबित हो जाएगा कि गलत है, और जिन्होंने बनाया है और जो नाम नहीं बोले ऐसे नाम भी अमित चावड़ा जो बोल रहा है बीच में, तो ऐसा जो उन्होंने ट्विस्ट किया है मुझे लगता है कि क्रिमिनल ऑफेंस उन्होंने किया है, इसके ऊपर भी एक्शन होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, जो स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जो जारी हुआ है, अगर वो मान लीजिए कि जांच में सच साबित होता है कि वो सामने वाले जो स्टिंग बोल रहे हैं वो सोमा जी ही हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? जो सामने वाला साबित जब होगा, जब ऐसा कुछ हुआ होता है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो सच होगा ऐसा अनुमान कैसे कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सीढ़ी गलत है और ये कोई भी हालत में ये साबित नहीं हो सकता। धन्यवाद।